वैसे तो ये वीडियो जिम कॉर्बेट में हो रहे टाइगर अटैक्स के बारे में है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन। आप लोगों ने पीपली लाइव मूवी देखी है? 2010 में पीपली लाइव नेम से एक मूवी आई थी जिसमें फार्मर्स के सुसाइड के इशू को हाईलाइट किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जिम कॉर्बेट में टाइगर अटैक और पीपली लाइव मूवी जिसमें फार्मर्स के सुसाइड का इशू था, इन दोनों का कनेक्शन क्या है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं वो सारे कनेक्शन आपको बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अगस्त के महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जिम कॉर्बेट में हो रहे मैन ईटर टाइगर के अटैक्स का सिचुएशन अपडेट दिया था। उस वीडियो को ढेर सारे लोगों ने देखा और पसंद किया। बहुत लोगों ने कमेंट करके अपना ओपिनियन भी दिया। इतने अच्छे रेस्पॉन्स को देख के मुझे एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जिम्मेदारी लगी कि मुझे इस पे फिर से एक अपडेट देना चाहिए कि अब जिम कॉर्बेट की सिचुएशन क्या है। अगर आपने पीपली लाइव मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मेरा जिम कॉर्बेट का मैन ईटर वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको पहले देख लीजिए। आपको सारी स्टोरी और जो कनेक्शन मैं बताने वाला हूँ वो क्लियरली समझ आ जाएगा। अगर आप फिर भी मेरे लास्ट वीडियो को जाके देखने की मेहनत से बचना चाहते हैं तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि उस वीडियो में था क्या। 2022 के जून महीने से जिम कॉर्बेट के मोहान एरिया में एक मैन ईटर टाइगर यानी आदमखोर टाइगर ने आतंक मचाया हुआ था और कई लोगों की जान ली थी। उसको पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन अगस्त महीने तक वो टाइगर नहीं पकड़ा गया था। जब ये टाइगर अटैक्स हो रहे थे तब जिम कॉर्बेट के कुछ एरियाज में वॉर लेवल पे टाइगर को पकड़ने का मिशन चलाया जा रहा था। चप्पे चप्पे पे फॉरेस्ट गार्ड को तैनात किया गया था। हर थोड़ी दूर पे फ्लेक्स बैनर लगा दिए गए थे जिसमें लिखा था बाघ प्रभावित क्षेत्र, और लोगों को पैदल आने जाने या गाड़ी से उतरने के लिए मना किया गया था। पूरे जिम कॉर्बेट में हर किसी के पास अपनी इन्फॉर्मेशन और कहानियाँ थी कि टाइगर ने कितने लोगों को मारा, वो आदमखोर टाइगर एक था या उससे ज़्यादा, और भी बहुत कुछ। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस बनने लगे और कुछ पुराने आदमखोर टाइगर्स की भी कहानी लोगों ने बताना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं वहाँ अब क्या चल रहा है। उस आदमखोर टाइगर का आखिर हुआ क्या? क्या उसको पकड़ लिया गया या मार दिया गया? तो मैं वापस आ गया जिम कॉर्बेट बस ये पता करने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मैंने पूरे मोहान एरिया में घूमने के लिए निकल गया ताकि उस टाइगर पकड़ने के मिशन का वीडियो बना सकूं और लोकल लोगों और फॉरेस्ट ऑफिशियल से बात कर सकूं। लेकिन इस बार वहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा दिखा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, यहाँ अब कोई फॉरेस्ट गार्ड नहीं है, ना किसी के चेहरे पर चिंता या डर दिख रही है। जब लोकल लोगों से बात की तो पता चला अब सब कुछ शांत हो चुका है। शायद टाइगर पकड़ने के मिशन के टाइम जब एयर फायरिंग की गई थी तो वो टाइगर डर के भाग गया और उसका अब कोई अता पता नहीं है। अब वो टाइगर लापता है और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लोग वापस से पहले की तरह अपने डेली के काम में बिना डर के जाने लगे हैं। लोकल अब बिना डर के पैदल अपने काम के लिए आना जाना कर रहे हैं। टूरिस्ट अब कहीं भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर के फोटो खिंचवा रहे हैं। और वो जो फ्लेक्स बैनर्स लगे थे ना जिसमें टाइगर अटैक्स की वार्निंग लिखी थी, अब धूल में सनी हुई वहीं झूल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का पीपली लाइव मूवी से क्या कनेक्शन था। उस मूवी में नत्था नाम का एक किसान कैरेक्टर था जिसने आत्महत्या करने की धमकी दी थी और उसका इतना हाइप बना कि उसके घर के बाहर मेला लग गया था। न्यूज़ चैनल वालों ने नत्था के घर के बाहर डेरा जमा लिया था और हर छोटी बड़ी बात को न्यूज़ बनाने लगे थे। नत्था के घर के बाहर दुकान सज गए थे, झूले लग गए थे और गांव वाले वहां दशहरे मेले की तरह परिवार के साथ घूमने आते थे। और जब नत्था अपने गांव को छोड़ के भाग गया तो वो सारा मेला भी खत्म हो गया। कुछ ऐसा ही हमारे जिम कॉर्बेट के नत्था टाइगर के साथ भी हुआ है। ना वो टाइगर है
न डर, न उस पर कोई यूट्यूब वीडियो, न कोई अपडेट। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल लग रहा है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये पीपली लाइव मूवी और मैन ईटर टाइगर का कनेक्शन बस एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इफ़ेक्ट्स एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स के ऊपर। इसमें कहीं भी मैं किसी किसान के सुसाइड का मजाक नहीं बना रहा, और न ही टाइगर द्वारा मारे गए लोगों का। जो जिम कॉर्बेट में हुआ वो एक ट्रेजेडी है, और उसमें आम इंसान और टाइगर दोनों पिस रहे हैं। जिम कॉर्बेट में अब एक नया टाइगर आ गया है, न वो किसी पे अटैक करता है और ना उसका कोई आतंक है, हर कोई उससे प्यार करते हैं। जब आप जिम कॉर्बेट जाएं, तो शायद आपको भी वो आते जाते दिख जाए। उसका नाम बंटी है और उसको बन खाना बहुत पसंद है। अगर आप जिम कॉर्बेट के लिए प्लान कर रहे हो तो टेंशन फ्री होकर वहाँ घूमने जाएं और टूरिस्ट और लोकल लोगों को सपोर्ट करें। टाइगर अटैक हो या ना हो, आप जंगल और जानवरों की रेस्पेक्ट करें और गाइडलाइंस को फॉलो करें। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेला ख़त्म समझ के आप ऐसे ही मत चले जाना। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।